लोक लुभावन बजट के बाद अब नजर 7 फरवरी को आने वाली क्रेडिट पॉलिसी पर है। क्या आरबीआई ब्याज दरों में बदलाव करेंगी? जी बिजनेस के पोल में क्या कहते हैं दिग्गज बैंकर्स और इकोनॉमिस्ट, ये बताने के लिए जुड़ रही हमारी रिसर्च एनालिस्ट देवांशी आश्र। देवांशी, बताएं इकोनॉमिस्ट के महापोल में क्या पता चल रहा है? जी, क्योंकि यहाँ पे शक्तिकांता दास की ये पहली आरबीआई पॉलिसी है तो यहाँ पे मार्केट को काफी उम्मीदें बनी हुई है इस पॉलिसी से। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे जो टाइम है पॉलिसी आने का वो बदल चुका है। पहले हम 2:30 के बाद देखते थे, अब 11:15 बजे यहाँ पे पॉलिसी रिलीज होती हुई दिखेगी। इसके साथ ही अब मार्केट क्या उम्मीदें लगाए बैठा है या क्या अनुमान बन रहा है, इसके ऊपर नजर कर लेते हैं। सबसे पहले तो सवाल यही बन रहा था कि क्या इस आरबीआई की पॉलिसी में जो रेट्स है वो यहाँ पे कट सकते हैं कि नहीं। तो लगभग 80% लोग यही मानते हैं कि इस बार कोई दरों में कटौती नहीं होगी, लेकिन 20% लोग मानते हैं कि इस बार अगर एक इंटरेस्ट रेट कट आता है तो कोई मेजर सरप्राइज नहीं होगा। एसबीआई की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि अगर एक इंटरेस्ट रेट ड्यू है जो आने वाले साल में अगर इस बार आ जाता है तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। इसके अलावा कितना यहाँ पे कटौती संभव है, 25 बेसिस पॉइंट की जो कटौती है उसकी उम्मीद यहाँ पे लगाई जा रही है। इसके अलावा क्या रुख हो सकता है आरबीआई का, तो लगभग 90% लोग यही मानते हैं कि इस बार नरम पॉलिसी आने का ही या जो रुख है आरबीआई का वो काफी नरम हो सकता है। इसके अलावा जो हम यहाँ पे मानते थे कि एक कैलिब्रेटेड टाइटनिंग वाली पॉलिसी हम हर बार देखते थे, तो जो स्टैंड है आरबीआई का वो बदलकर अब न्यूट्रल होने जा सकता है इस पॉलिसी में, हम ये उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं। इसके अलावा जो सीआरआर की बात करें, क्योंकि लिक्विडिटी पर बहुत ज्यादा फोकस है, 80% लोग यही मानते हैं कि सीआरआर में यहाँ पे कोई कटौती नहीं होगी, लेकिन 20% लोग मानते हैं कि सीआरआर में कटौती इस बार संभव है क्योंकि लिक्विडिटी इश्यूज बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। और साथ ही महंगाई का लक्ष्य, क्योंकि बजट था उसके बाद क्या महंगाई के लक्ष्य में कोई बदलाव किए जाएंगे कि नहीं, तो यहाँ पे भी लगभग 90% लोग का यही मानना है कि कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे, क्योंकि फिलहाल हम जो आरबीआई का टारगेट था 4% उससे काफी कम है। थोड़ा बढ़ता भी है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन 10% लोग मानते हैं कि यहाँ पे जो जो टारगेट से जो लक्ष्य है वो हल्के से बढ़ाए जा सकते हैं। तो ओवरऑल यही उम्मीद है कि न्यूट्रल एक पॉलिसी आ सकती है। और किस पे फोकस हो सकता है, एक यहाँ पे फोकस लिक्विडिटी पर होगा, और उसके अलावा एक जो महंगाई दर है वो कितनी आती है, क्या लक्ष्य बन रहा है आरबीआई का, इस पे सबसे ज्यादा फोकस हो सकता है।